पूर्वक अपने पास सारी ऊर्जा है। मैं लास्ट ये बताता हूँ, आप लोग सभी मंदिर में जाते हो, मंदिर में जाते हैं ना आप सभी, क्या करते हो मंदिर में जाके, क्या करते हो बताओ, कौन बताएगा, प्रैक्टिकली कौन बताएगा? अभी अभी आज मंदिर में जाके कौन कौन आया? दादा इधर, जो आपने, आप अभी जाके गणपति के मंदिर में गए और वहाँ जा रहे हो और वहाँ क्या क्या किया वो करके दिखाओ। वो मंदिर में गए गणपति का, नहीं बोलो नहीं, जो आपने किया वो करके गणपति लगे हो, गणपति के बहुत पाया बोलो और नहीं दिखाओ। नहीं, मैं यहाँ से गणपति के मंदिर में गया, घर में बहुत बड़ी लाइन थी, लाइन के मध्य मेरा नंबर आया, सामने गणपति की, हाँ दर्शन कैसे किया बता, और फिर क्या किया? और दर्शन पर वो वापिस चलन निकाला। एक बात चुप रहे, शंकर का दर्शन लिया सोमवार। अच्छा चलो कोई बात, शंकर की मूर्ति के सामने क्या किया, जो किया वो अंदर गया, नमस्कार किया, उसका यो लगाया, बाहर आया, इधर घूम को गया, आधा दर्शन किया, फिर घूम को गया, फिर भी एक चीज मिस है जो करते हैं लेकिन हमें याद है। ठीक है, तालियां बजाओ श्यामराव। देखो एक चीज इसने मिस की, जैसे हम लाइन में जाते हैं, मैं आज देख के आया, यहाँ का मंदिर बहुत बड़ा है, गणपति का, गणेश जी का मंदिर बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। तो हम गए, तो गए सामने छोटी बच्ची आई, दौड़ते आई उधर गई, सामने गई, ऐसे हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ने के बाद जब उसका नंबर आया तो ऐसे किया, गणपति धाम में आंख बंद कर दिया, दर्शन करना था तब आंख बंद कर दी, दर्शन माना देखना, जब उसका नंबर आया तो आंख बंद कर दिया। तो दर्शन करने गई थी या दर्शन कराने गई, ये करते हैं ना, डोले बंद हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो ये बात हमें बहुत इसका आध्यात्मिक रहस्य समझना है, ऐसा क्यों होता है। अच्छा, फिर ऐसे करने के बाद मन में कुछ गुड़गुड़ करते हैं, कोई कोई कुछ मानते हैं मन्नत मानते हैं, मेरा ये ठीक कर देना, मेरा आज पेमेंट रुका है भाई छुपा देना, है ना, मेरा ये काम कर देना, भगवान से मांगते और मांगते हैं उसको क्या बोलते, मांगने वाले को क्या बोलते, भिखारी बोलते। देखो सही बोला, हम रॉयल भिखारी, वैसे भिखारी नहीं, रॉयल भिखारी। तो क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, जब हम दर्शन करते हैं तो इसका आध्यात्मिक रहस्य बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना, समझना कि हमारी आंखें बंद क्यों हो जाती है। दो हाथ, ये दो हाथ है ना, तो दो हाथ माना मैं आपके सामने मन और बुद्धि से यहीं हूं, सामने खड़ा और मन वहां नहीं भटक रहा है, मन और बुद्धि से यहाँ हूं और फिर आंखें बंद करता हूं। तो आंखें बंद होती, जब इस संसार में हमें भगवान ने भेजा
हर एक को, भगवान हमारा पिता है ना, तभी तो कह रहे तमेव माता च पिता सुते। युगल का जब मंदिर में जाते हैं तब पत्नी थोड़ी कहे तुम मेरा ससुर हो, दोनों मात पिता कहते हैं, पति भी मात पिता कहते हैं और पत्नी भी मात पिता कहते हैं। तो ये संबंध किस नाते से? आत्मिक नाते से। ठीक है, जब ये परमात्मा पिता ने हमें इस सृष्टि पर भेजा तो हमें सबको सब कुछ दिया है, उनको अच्छे से मालूम है ये दुनिया में जाएगा इनको ये आवश्यकता पड़ेगी। जब आंख बंद होती है माना परमात्मा सामने जो मूर्ति है जिसको हम भगवान मानते हैं, वो कहते हैं बच्चे तुमको मांगने की जरूरत नहीं, बच्चे बाप से मांगता नहीं है, बाप का जो भी जायदाद है जो भी प्रॉपर्टी है उसका वो मालिक है, वारिसदार है, वो तो सिर्फ बताता है कि मुझे ये आवश्यकता है, पिताजी उसको देता है, अधिकार है उसका, मांगना नहीं है। तो जब ऐसा होता है माना, वो मूर्ति भगवान कहता है कि तुमको तू जो मांग रहा है वो सब कुछ मैंने पहले ही मुझे मालूम था, मैंने सब कुछ दिया है, लेकिन आपने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। पीछे के रूम में क्या क्या पड़ा है, सोना समृद्धि लाखों करोड़ों रुपए पड़ा है, लेकिन मैंने कभी ताला ही नहीं खोला है, इसलिए हम शाम से मांगते।